नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई बारिश की ताजा खबरें। सबसे पहले बात करें कोरोना आतंक की, तो बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 42,462 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 23 मरीजों की मृत्यु भी हुई है। ओमिक्रॉन के 125 मामले मिले, जिससे महाराष्ट्र में कुल ओमिक्रॉन के 1730 मामले हो गए हैं। वहीं मुंबई में 10,661 कोरोना के मामले बीते 24 घंटे में आए हैं। वहीं मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने कहा कि कोविड सेल्फ टेस्टिंग के लिए किट खरीदने वाले लोगों को केमिस्ट पर देना होगा आधार कार्ड। वहीं महाराष्ट्र के पर्यटकों का सामान चुराने के आरोप में 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार, लगभग 1.5 लाख रुपए का था सामान। वहीं ईडी की बड़ी कार्रवाई, बैंक धोखाधड़ी में ओमकार ग्रुप और अभिनेश सचिन जोशी की 410 करोड़ की संपत्ति अटैच है। वहीं मुंबई में मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है, 17 लोगों पर किया गया केस। वहीं महाराष्ट्र में 18 जनवरी को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित। पुणे में कोरोना का कहर जारी, 31 पुलिस वाले पाए गए पॉजिटिव, कुल अब तक संख्या 465 हो गई है। वहीं मुंबई में बुजुर्ग महिला से 11 लाख से अधिक का साइबर ठगी का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग पंजीकरण की तिथि को आगे बढ़ाई गई, 17 जनवरी 2022 तक अब कर सकते हैं। वहीं एक महिला की वीडियो वायरल हो रही है, महाराष्ट्र के पुणे में चालक को दौरा पड़ा तो महिला ने 10 किलोमीटर तक चलाई बस, वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वहीं मुंबई यूनिवर्सिटी में जुड़े 178 कॉलेजों में प्रिंसिपल ही नहीं, आरटीआई के जरिए हुआ चौंकाने वाला खुलासा। वहीं महाराष्ट्र में बाल कैदियों के यौन शोषण का मामला सामने आया है, अधिकारी को किया गया निलंबित। डीजल पेट्रोल के दामों में आज भी किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं, मुंबई लोकल ट्रेन में 2 डोज वाले को अनुमति मिल रही है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र मुंबई के सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।